आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर अब सामने आ रहा है। बस और ट्रक का संचालन अब कठिन होता जा रहा है। इंदौर में शुक्रवार को बस संचालन ठप रहेगा। गंगवाल बस स्टैंड बस ऑनर्स एसोसिएशन ने मांग की है कि प्रदेश सरकार किराए में वृद्धि को मंजूरी दे, जिससे कि वह रोज हो रहे नुकसान की भरपाई कर पाए। इंदौर, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, मनावर आदि क्षेत्रों में जाने वाली बसें गुरुवार को नहीं चलेंगी। इंदौर के इस रूट की बस ऑनर्स एसोसिएशन का कहना है कि लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम और कोरोना का संक्रमण काल दोनों ही बस ऑपरेटरों के लिए घाटे का सौदा रहा है। लंबे समय से राज्य सरकार से किराए में 50% की वृद्धि की मांग की जा रही है। बस संचालन ठीक रहने के लिए आजीविका चलाना जरूरी है और रूटीन के खर्चे निकालना मुश्किल हो रहा है। गंगवाल बस स्टैंड बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव सिंह गौड़ ने बताया कि शुक्रवार 26 फरवरी को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की जा रही है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो फिर हड़ताल भी की जाएगी। महंगाई के इस दौर में सड़कों पर बसें चलाना और यात्रियों को सुविधाएं देना अब घाटे का सौदा लग रहा है। श्री गौड़ ने कहा कि सरकार से अपील है कि वह बस के यात्री किराए में बढ़ोतरी को मंजूरी दें, ताकि बस संचालक व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से चला सकें। हड़ताल का मुख्य कारण है हमारे किराए में वृद्धि नहीं हो रही है। जब हमारा डीजल 60 रुपये लीटर था, जब हमारा किराया बढ़ा था, आज 90 रुपये लीटर डीजल हो गया है, अभी तक हमारा किराया नहीं बढ़ा। इसमें किराया बोर्ड की बैठक हुए को 3 माह हो चुके हैं। हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि हमारे किराए में वृद्धि करें और डीजल के रेट में कमी करें, ताकि हम अपने वाहनों को संचालित सुचारू रूप से कर सकें। दूसरा, अभी एक नया मुद्दा उठा है कि ओवरलोडिंग की चालानी कार्रवाई RTO द्वारा की जा रही है, जिसमें जिन बसों में सवारी कम होती है उनके भी चालान बनाए जा रहे हैं 1,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक। बस मालिक परेशान है चालानी कार्रवाई से, डीजल से और किराए वृद्धि नहीं होने से। तो हमारा सरकार से विनम्र आग्रह कि हम एक दिन की सांकेतिक हड़ताल अभी कर रहे हैं, जिससे सरकार हमारी ओर ध्यान दे और हमारी तीनों मांगे उचित है, इनका शीघ्र निराकरण करें। गंगवाल बस स्टैंड से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में चलने वाली रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, अलीराजपुर, कुक्षी, धार, राजगढ़, यहाँ की समस्त बसें एक दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल करेगी, ये अभी हमारा निर्णय है। आज कुल कितने बस ऑपरेटर हड़ताल पर हैं टोटल? सभी बस ऑपरेटर हड़ताल पे इस क्षेत्र में। करीब 150 बसें गंगवाल बस स्टैंड से नहीं चलेगी।